हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप। सो गाइस, एज यू नो, 22nd of November द रिजल्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज हैव कम एंड अराउंड 46 स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल बीन सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर। एंड गाइस, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज एज यू नो वी आर कमिंग अप विद द स्पॉटलाइट सेशंस विद द अचीवर्स so that you can learn from their journeys of preparation and also implement the things they have done at their time. So guys, this session is going to be very, very special because today we have a special guest, Ganesh Nath, who secured AIR 16 in this, you can say, engineering services examination and made all of us proud. So let us ask him about his journey and also, guys, how he faced the challenges came in his journey. So we would be learning from that also, and if the similar things would be happening in your journey also, you can definitely use those tips and tricks which he would be telling us. So Ganesh, okay, first of all, congratulations on your success. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. So I would like to ask you, first of all, tell something about yourself so that our viewers can know about you. Okay, fine, sir. I'll tell my basic introduction brief. Briefly, my name is Ganesh Nath Baba Raudage. I am from Maharashtra and I did my graduation in mechanical engineering in 2020 from BNIT Nagpur. उसके बाद 20 to 21 फेज मेरा थोड़ा सा मतलब मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया था. देन इन 21 आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन. लेकिन सर, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मैं सोचा नहीं था. एक्चुअली जो वैकेंसीज आ रही थी तो मैं सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विस में करके कुछ फायदा तो है नहीं, इतनी कम वैकेंसी है तो मेरा रैंक तो शायद नहीं आएगा, ऐसा मैं पहले सोचता था. देन इन 21 गेट में मेरा रैंक कुछ अच्छा खासा नहीं आया था. देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, मैं दिल्ली में आया और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. थोड़ा बहुत कोचिंग लिया लेकिन मुझे कोचिंग ठीक ठाक लगी. मोस्टली मैं अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे रिलायंट था और मैंने बुक्स रेफर ज़्यादा करी, क्योंकि सर आजकल जो गेट का एग्जामिनेशन पैटर्न आ रहा है वो मोस्टली कंसेप्चुअल बेसिस पे हो रहा है. सो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहने से ज़्यादा मुझे लगा कि सर कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे करे, रादर मतलब बुक्स को ज़्यादा फॉलो करे तो अच्छा है. तो मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ने लग गया, मतलब बुक्स से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी. साथ चलते चलते 21 में अगस्त में मैंने HPCL दे दी थी, HPCL एग्ज़ाम दी थी और HPCL में मेरे 161 मार्क्स आए थे, विच आई वॉज वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स, आई गॉट वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स. तो उसके साथ साथ मैंने HL दे दी, HL क्लियर हुआ. ऐसे करते करते कंटिन्यूसली 5 to 6 एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए सर, NRL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब एग्जाम क्लियर हुए एंड देन IGCR एज वेल. लेकिन चलते चलते 10 से 12 इंटरव्यूज मैंने दे दिए पब्लिक सेक्टर में, बट आई कुडंट क्लियर. मेरा फाइनल में रह ही जाता था, पता नहीं क्या रिजेक्शन आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मेरा लास्ट रिजेक्शन था सर 26th of December 2021 में, जब मेरा HPCL इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो मेरे को लगा था कि सर अब क्या करें, अब गेट को समय बचा था, 1.5 मंथ हार्डली बचा था और गेट बहुत करीब आ गया था और मेरा जो टाइम था वो कम्प्लीटली ये प्रिपरेशन में, इंटरव्यूज देने में, इसी में चला गया था. तो मुझे डर लग गया था कि अब क्या करें. देन आई केम बैक टू दिल्ली, लेट स्टार्ट. मैं बोला कि नॉट फाइटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, कुछ तो करना ही पड़ेगा, आई शुड कीप मोटिवेट माई सेल्फ, करना है. बस इसलिए मैंने क्या किया सर, एक कुछ मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी मैंने. बायजूस पे भी टेस्ट देता था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मतलब सारे पेपर्स मैंने स्टार्ट किए और देना मेरे ठीक ठाक मार्क्स बनने लगे. फिर मैं गेट 2022 दे दिया सर और फॉर्चुनेटली मेरी ठीक ठाक रैंक बनी एंड आई एंडेड अप इन इंडियन ऑयल. इंडियन ऑयल के साथ मेरे उसके बाद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर से ऑफर्स आना चालू हो गए कंटिन्यूसली. फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स दिया था. मेरा कोई ऐसा होप नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस करना है करके, मैंने बस प्रीलिम्स देने के लिए दिया था. आई नेवर स्टडीड फॉर जनरल स्टडीज, मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं किया था जनरल स्टडीज के. मैं पूरा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के बेसिस पे चला गया था सर एंड आई गॉट ओनली 54 मार्क्स इन जनरल स्टडीज. बट मेरा टेक्निकल में जो स्कोर था सर, मैं हाईएस्ट था शायद उस साल का, 218.67 मेरा प्रीलिम्स में मार्क्स आया था टेक्निकल में. तो प्रीलिम्स कैसे भी क्लियर हो गई थी. देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर मेंस. मेंस में भी सर मैंने 2 महीने कुछ प्रिपरेशन किया था. मैं मतलब मेरा कभी होप था ही नहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज. मेंस मेरी अच्छी चली गई तो मेंस भी क्लियर हो गया.
देन आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया सर। जब इंटरव्यू में नहीं हो पाया उसके 5 दिन पहले ही मेरा IOCL का रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग भी आ गई थी। तो मेरे को मतलब उतना अच्छा कोई डिमोटिवेशन नहीं आया था, चलो यार अभी इंडियन ऑयल तो है, पब्लिक सेक्टर है, मेरे हाथ में अच्छी जॉब है। मैं इंडियन ऑयल ज्वाइन किया 2022 में दिसंबर में। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको पता चल जाता है कि द काइंड ऑफ जॉब दैट यू आर गोना डू। तो मेरे को समझ में आया सर इतनी मेहनत लाइफ में करी है कुछ ऐसे जॉब के लिए नहीं, आई वांटेड समथिंग गुड। मुझे लगा सर कैलिबर है, लेट्स स्टार्ट यार फिर से कुछ करते, इंजीनियरिंग सर्विस में फिर से एक बार ट्राई करते, लेट्स लेट्स सी कि हो जाए। तो ड्यूरिंग मेरे जो ट्रेनिंग चलता था सर, मैं अपने टाइम को क्या किया, ट्रेनिंग 6 to 7 hours चलता है हार्डली, और 5 days रहता है। तो मैंने अपने टाइम को फिर डिवाइड किया कि मॉर्निंग में क्या करेंगे, फिर से रिविजन करेंगे अपना जो भी है, इवनिंग में क्या करेंगे, आते ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया सर। मेंस के मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मैंने मेंस का पहले से ही स्टार्ट कर दिया, और प्रीलिम्स का भी स्टार्ट कर दिया पैरेलली। देन इन फरवरी आई गेव प्रीलिम्स एंड आई क्लियर प्रीलिम्स, और मैं मेरी ट्रेनिंग में ही मुझे पता चल गया आई गॉट आई क्लियर प्रीलिम्स। तो मैं सोचा कि सर अब क्या करें, मतलब मेरे को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरे को लोकेशन ऐसी जगह दे दी थी, मतलब पूरा ड्राई एंड एरिड एरिया था, कम्प्लीटली आउटस्कर्ट एरिया था, गुलबर्गा करके कर्नाटका में मेरी पोस्टिंग हो गई थी इंडियन ऑयल में, और मुझे वहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था कि मेंस के लिए कैसे पढ़े। तो मैं फॉर्चुनेटली अच्छे से स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जनवरी में मेंस का करना, तो मुझे थोड़ा हेल्प उसी से मिला, और मैं फिर जॉब करते करते फिर भी टाइम जैसे जैसे मिल रहा था मैं न्यूमेरिकल सॉल्व किया। फिर मैं अपने लोकेशन इंचार्ज के पास चला गया और मैं बोला सर आई वांट अ लीव, मेरे को प्रिपरेशन करना है सर, मेरे को कंटिन्यू करना नहीं है इंडियन ऑयल में, मैं चला जाऊंगा। मैं उसी दिन चला गया था सर रेजिग्नेशन करने, उनको बोला सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मैं मेंस के लिए मुझे पढ़ना है। लेकिन सर ने बोला 1 महीने का ले लो छुट्टी, आई गिव यू लीव, तुम चले जाना प्रिपरेशन करना, यू विल हैव जॉब, इंडियन ऑयल तुम्हारे हाथ में रहेगा, एटलीस्ट मेंस हो जाएगी, और फिर कंटिन्यू कर लेना, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो छोड़ देना। फिर मैं सर दिल्ली में आया, 25 days मेरे हाथ में थे, 25 days में मैंने मतलब बहुत मतलब 16 hours a day बहुत भयानक लेवल की मेहनत करी सर। मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट करनी थी, सिलेबस कंप्लीट करके मैंने मेंस दी सर, और फॉर्चुनेटली मेंस मेरा अच्छा चला गया, शायद मेरा ही लकी डे था, और मेरे को मतलब अच्छा ही गया, मेरे को समझ में आ गया सर अब शायद मेरा फाइनल हो सकता है। देन आई वेंट टू इंडियन ऑयल, 15 days काम किया सर, मैं बोला सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि मेरा हो जाएगा इंडियन IAS में हो जाएगा, और मैं सर जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं रिजाइन किया सर अगस्त में, रिजाइन करके फिर से दिल्ली में आ गया और इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और इंटरव्यू देने के बाद देन आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 16 एट द एंड। राइट सो बहुत इंस्पिरेशन रहा मतलब इस जर्नी में, क्योंकि आपने जो बताया यस कि आप इतना श्योर थे कि हाँ मेरा हो ही जाएगा और आपने रिजाइन सर दे दिया, हाँ एक बहुत बोल्ड स्टेप था। तो यस सर एक और चीज मैं गणेश आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक व्हाट एवर यू हैव एक्सप्लेन इन दैट यू क्वालिफाइड अ नंबर ऑफ एग्जाम, यस सर सो यस सर जनरली स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज इन दिस कि वेदर वी शैल प्रिपेयर फॉर गेट और वी शैल प्रिपेयर फॉर ESC और वी शैल प्रिपेयर फॉर इसरो DRDO बार। So, what you would like to say them कि how to prepare for all these exams simultaneously? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब वी शुड फोकस मोर अपॉन कंसेप्ट एंड आवर जो भी सिलेबस है टेक्निकली कवर ऑल दीज थिंग्स, देर इज नो नीड ऑफ सेपरेट प्रिपरेशन। ओके मैं इंजीनियरिंग सर्विस की अगर बात करूँ, आई विल सेपरेट दैट एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल अदर एग्जामिनेशन, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस का थोड़ा सा अलग से प्रिपरेशन करेंगे। आप टेक्निकल अच्छे से एक बार करें, मतलब मैकेनिकल एंटायरली थोरोली आप कर दोगे तो आपके सीरीज में एग्जाम्स निकलते जाएंगे। ऐसा कोई सेपरेट प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूँ कोई जरूरत नहीं है सर। आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो फाइन, गेट का ही प्रिपरेशन रखिए, टेक्निकल के सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सर इंजीनियरिंग सर्विस का थोड़ा सा अलग हो जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, प्रीलिम्स डिमांड करता है विड्थ ऑफ नॉलेज, आपके पास कितना डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, कंसेप्ट है, सब कुछ। एंड मेंस इज डिफरेंट थिंग सर, मेंस चेक करता है कि आपको कितना डेप्थ ऑफ नॉलेज है, मतलब आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करेगा। एंड इंटरव्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट, आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो और टेक्निकल का एप्लीकेशन बेसिस पे नॉलेज होना पड़ेगा,
इंटरव्यू में ज्यादातर वही वही पूछते हैं सर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने DRDO ये सब एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं आई गेव इंटरव्यू इन DRDO एज वेल। तो मैंने ऐसी कोई नई सी अलग से स्ट्रेटेजी अपना के नए प्रिपरेशन, न्यू एग्जाम्स, न्यू प्रेप, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। एक बार किया मैंने प्रिपरेशन एंटायरली मैकेनिकल, दैट्स इट, गेट के लिए, देन इंजीनियरिंग सर्विस। यस, सो द सेम थिंग आई ऑलवेज यूज टू से टू द स्टूडेंट कि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड आपको एक क्रॉस करना है आपकी, जैसी हाँ वो क्रॉस होगी एग्जैक्टली आपकी सारी एग्जाम्स निकलेगी, और जब तक वो नहीं होगी कोई भी नहीं निकलेगी। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं सर, किसी की तो सारी निकल गई, हमारी एक भी नहीं निकल रही, क्योंकि आपने वो यस सर, थ्रेशोल्ड अभी तक क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस नहीं किया है, एग्जैक्टली टेक्निकल में जो है कोई करंट अफेयर अलग चीज है, टेक्निकल अलग, करंट अफेयर हर साल चेंज होती है, हर दिन चेंज होती है कि गवर्नमेंट क्या कर यस रही है, सर, विपक्ष क्या कर रहा है, पर स्ट्रेस की जरूर, डेफिनेशन तो वही रहेगी, चाहे आज कर लो चाहे 10 दिन बाद कर लो। द बेस्ट थिंग इज दैट अबाउट टेक्निकल कि एक बार लगा दिया तो उसके बाद कोई भी एग्जाम। यस सर, यस सर, यस, तो दैट्स ग्रेट। सो ऑलरेडी आपने बुक्स के बारे में इतना कुछ बोला कि बुक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है ही एग्जामिनेशन के अंदर। यस सर, बहुत ज्यादा, तो आपने अपनी जैसे बीटेक भी आपने बताया, बीटेक के बाद आप NIT से बीटेक किया आपने, उसके बाद आपने फिर प्रिपरेशन किया। सो व्हाट डू यू फील कि जनरली आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द कॉलेज, और यू फील आफ्टर द कॉलेज इज गोइंग टू बी द बेटर थिंग? सर कॉलेज से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई थिंक इट्स बेटर, आपके पास नॉलेज रहेगा, आप कंटिन्यूटी में रहेंगे कॉलेज में, आपके साथ चल रहा है सब कुछ। कॉलेज के साथ थोड़ा मेंटेन करना इसलिए हार्ड हो जाता है सर, कॉलेज के अलग से असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर, यू विल बी इन्वॉल्व इन सो मेनी कल्चरल व्हाट एवर द इवेंट्स दैट इन योर कॉलेज आर हेल्डिंग, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम चला जा सकता है। बट कॉलेज से स्टार्ट किया तो आपको अच्छा मिलेगा सर, मतलब एक अच्छा स्टार्ट भी मिलेगा, आपके पास नॉलेज गैदरिंग भी रहेगी, बाद में प्रिपरेशन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैप लेना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, दैट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा, क्यों ना, मतलब आपका अगर एम है कि इंजीनियरिंग सर्विस गेट अगर करना ही है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज में जब हो तो वहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो आपको एक एज भी मिलेगा सर। मैंने हाँ, फाइनल ईयर समय में टाइम सोचा भी बच था, जाएगा थोड़ा सा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, तो पहले से करना है अच्छा है, बाद में किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो मतलब सिंपल सिंपल कॉलेजेस से आते हैं, उनका कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, इंजीनियरिंग के बाद उन लोगों ने खुद को मतलब प्रिपरेशन में मतलब इन्वॉल्व करके मेहनत करके उन लोगों ने अच्छे अच्छे रैंक लाई है सर। इट इज लाइक कि जब हाँ जागो तभी सवेरा। कि यस अगर एग्जैक्टली आप कॉलेज में एग्जैक्टली, हैं तो अभी शुरू कर दो, और अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, तो भी अभी कर कोई दो, बात नहीं, जब एग्जैक्टली करोगे तभी एग्जैक्टली, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यस हाँ, सर, यस सर, तो डेफिनेटली, बट हाँ ये तो है कि अगर आप कॉलेज में शुरू करते हो तो आप अपना समय भी बचा लेते हो, और ऑब्वियसली अगर आप कोई सर्विस जल्दी ज्वाइन करोगे तो आप उसके वो अपर आपका करियर भी, लेवल तक पहुंच पाओगे, क्योंकि यस सर अगर आप डेफिनेटली, इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 में ज्वाइन करते हो या 30 ईयर में, उससे डेफिनेटली जो प्रमोशंस होंगे वो डेफिनेटली इनफैक्ट होंगे। यस सर, यस सर, यस सर, अदरवाइज यस, जब जागो तभी सवेरा, यस क्योंकि सर, कुछ एग्जाम्स ऐसे भी है जिनकी एज लिमिट 41 भी होती है जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, यस सर, तो जब जागो हाँ तभी सवेरा तो है ही। सो गणेश, व्हाट यू फाइंड लाइक ड्यूरिंग दिस जर्नी, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम इज नॉट ए वन डे एग्जाम लाइक कि आई विल प्रिपेयर फॉर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ एंड गो एंड गिव द एग्जाम। इट इज यस सर, एंटायर यस सर, जर्नी, क्योंकि ये लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय का ओवरऑल टाइम लग जाता है। यस सर, यस सर, यस सर, तो डेफिनेटली, डेफिनेटली इस 1 साल में बहुत बार डीमोटिवेशन भी आया होगा आपको, यस सर, यस हाउ यू सर, टैकल दैट डीमोटिवेशन, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। सर डिमोटिवेशन तो सबके सबके साथ आता रहेगा, कि डिमोटिवेशन जनरली तब आता है आपको फेल्यूर्स के साथ मतलब आप फेस करते रहे हो, कंटिन्यूअसली फेल्यूर्स फेस कर रहे हो, बट आपके पास क्या ऑप्शन है, यू केम फॉर दैट, आपका एम्बिशन वही है, आपको समझाना पड़ेगा खुद को कि नहीं मुझे करना है, दैट आई हैव टू डू इट, आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे को मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता था सर कि हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, मेरे को मतलब 12 to 13 इंटरव्यू से रिजेक्शन मिलने के बाद भी मुझे डर लगा था कि सर अब इसके आगे तो अब मेरा हो गया यार, मैं इतने एग्जाम्स क्लियर करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो अब पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा, मेरा होगा या नहीं, लेकिन देन धीरे धीरे मैं कैसे तो भी खुद को मोटिवेट किया कि नहीं यार लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, लेकिन करेंगे यार फिर से करेंगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एज वेल, हो जाएगा कभी ना कभी। लेकिन होते होते मैंने एक चीज अपने दिमाग में रखी थी सर, एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट नेसेसरी सर, मतलब आपका दिमाग स्टेबल रहा ना तो आप आराम से करोगे, आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जाएगा, डिस्टर्ब रहेगा तो
जो भी पढ़ोगे वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि मतलब आपको स्टेबल रखना ही पड़ेगा दिमाग को, कि काम एंड कंपोज हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, तो आपको आराम से रहना पेशेंस पड़ेगा, पेशेंस पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। के साथ चलना पड़ेगा एक तरह। ओके सो गणेश, डेफिनेटली जब आप सिलेक्ट हुए तो आपके दिमाग में एक चीज होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम निकाले, यस रिटर्न सर, स्टार्टिंग भी, इंटरव्यू, तो चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस रहा, बट आई फील भी में आपने देन आई अचीवमेंट गॉट, किया है। तो यस सर, आपको कहीं ना आपके बारे में ये भी देखा होगा कि कौन सी चीजें थी, कौन सी वो चीजें थी जिसके कारण आपको लगता है कि आप आज इस सक्सेस को अचीव कर पाए हो, और कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको लगता है कि अगर मैं उन पर भी काम कर लेता तो शायद इससे भी बेटर कर पाता। यस सो व्हाट सर, डू यू फील आर द स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ विच यू यस रीच सर, देयर, एंड व्हाट वर द यस सर, वीकनेसेस जिन पर अभी आप नहीं शायद उतना सक्सेस पा सके, होता तो शायद हम और भी बेहतर कर पाते, आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली सर, आई विल स्टार्ट विथ माई स्ट्रेंथ। सर मैंने जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करा था, आई स्टार्टेड विथ, मुझे मेरा एक प्लान पता था, ऑन व्हाट डे व्हाट शुड आई डू। मैंने एक क्लियर, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जो भी प्रिपरेशन करना है मैंने प्लानिंग बना के रखी थी कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज दैट सर, आपका रिविजन स्ट्रेटेजी साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, एक महीने का पढ़ लिया आपने, फिर आप दूसरे महीने में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पहले महीने में क्या पढ़ा है क्या, उस पर ध्यान किसी का जाता नहीं है। देन यू आर गोइंग इन टू थर्ड मंथ, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में क्या हो रहा है ये आपको पता ही नहीं है। आपने इतना एनर्जी वेस्ट किया फर्स्ट एंड सेकंड मंथ पे, पूरा एनर्जी वेस्ट किया, देन यू आर गोइंग इन टू द थर्ड मंथ, और आपको फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का अगर आपको पता नहीं है तो आपका सब सब कुछ वेस्ट गया ना। तो मेरा कहना है कि आप रिविजन करते रहो साइक्लिक ऑर्डर में, एवरी सेवेंथ डे पे आप रिविजन करते रहो, एवरी सेवेंथ डे पे। मैं क्या करता था सर, मेरा तो रिविजन सबसे मोस्ट, मैंने उसको प्रायोरिटी दी थी, तो मैं फर्स्ट डे सेकेंड डे पे पढ़ने जा रहा हूँ तो फर्स्ट डे पे थोड़ा सा लुक देता था कि क्या पढ़ा है यार, थर्ड डे पे जा रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड पे क्या रहा है, तो लिंक करते जाता था। पर एवरी सेवेंथ डे पे मैं अच्छे से रिविजन करता था, तो रिविजन प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं हमेशा करता था। और सर सेकेंड थिंग ये होती है कि आप छोटी सी भी मिस्टेक्स अगर कर रहे हो देन राइट डाउन दैट स्मॉल, इवन अ स्मॉल मिस्टेक यू शुड राइट डाउन दैट, और आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि आपने क्या मिस्टेक करी, सो दैट ये जो एग्जाम में जाके ना आपकी कभी मिस्टेक होगी नहीं। जितनी मिस्टेक करेंगे वो अच्छा रहता है सर, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत बार इनकाउंटर हुआ है एग्जामिनेशन में भी कि जो मिस्टेक्स मैंने करी है और लिख के रखी है वो एग्जामिनेशन फिर से होती नहीं है एग्जामिनेशन में, तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। गेट में आपको एक्यूरेसी चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपको एक्यूरेसी चाहिए, प्रीलिम्स एंड मेंस, मेंस में तो आपको बहुत फास्ट राइटिंग चाहिए, आंसर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है सर आपको एक नई नोटबुक बनाओ, आप टेस्ट सीरीज का मतलब जो भी आपके मिस्टेक्स है वो लिख के रखो और उसके ऊपर फोकस करो। और मेरा वीकनेस की बात करो सर, तो मैंने मेरी मतलब जो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए थी सर, मतलब प्रिपरेशन के समय पे मैं दे नहीं पाया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सर। टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चलेगा, बहुत सारी चीजें होती है टेस्ट सीरीज के, नए क्वेश्चन का एक्सपोजर, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगा सर, ये सब मैं नहीं कर पाया। अगर मैं टेस्ट सीरीज दे पाता तो शायद मेरी रैंक अच्छी बन पाती इससे भी ज्यादा शायद, लेकिन चलो कोई नहीं, नहीं दे पाया तो कोई टेंशन नहीं। टेस्ट वैसे सीरीज ऑलरेडी का आपने आप, बहुत अचीव कर लिया है, यस ऑलरेडी सर, वेरी गुड रैंक, बट हाँ आपको ये यस एक सर, होता है कि अगर ये करता तो शायद और अच्छा, क्योंकि हमेशा एक इम्प्रूवमेंट हाँ की सोच रहनी भी चाहिए, और वो भाई है भी वो आपके, तो बहुत यस अच्छी सर। बात है। टेस्ट सीरीज के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ सर, मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में इतना एक्सपोजर नहीं पता था, मेंस के बारे में नहीं पता था, तो 2022 में जब मैं मेंस लिखने गया था तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था सर, बीजी प्लस जीएम आई बाई वी, ये फॉर्मूला लगाना होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, अपने बस मेटासेंट्रिक हाइट निकालना था। इतने से क्वेश्चन को मैंने सर 20 मिनट्स लगा दिए थे, मेरे को मुझे प्रैक्टिस ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कितना क्वेश्चन क्या करना है, मैं आराम से लिख रहा था सर, देन आई लुक एट द वॉच, 20 मिनट्स चले गए और 12 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मुझे डर लगा, फिर मैं बहुत फास्ट लिखना चालू किया एंड आई एंडेड अप विथ 137 मार्क्स इन पेपर वन, जो बहुत कम मार्क्स थे सर, बहुत लोगों को 160 180 प्लस थे पेपर वन में एंड आई गॉट 137। मुझे लगा सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाएगी, आपके कंसेप्ट ब्रशअप कराएगी, नए क्वेश्चंस देखेंगे आप, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रिविजन करो, टेस्ट सीरीज देते रहो और उसका एनालिसिस, टेस्ट दे भी रहे हो तो उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये नहीं कि आप टेस्ट दे दिए और छोड़ दिया। टेस्ट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या वीकनेस, क्या आपकी गलतियां हो रही है, देन लुक, जाओ आप बुक्स ढूंढो या वाट एवर आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है कंटेंट की, जाके उसको पढ़ो एंड इम्प्रूव दैट थिंग, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो जो भी आपकी वीकनेसेस है। और जैसे अगरेश, आपने जैसे ESC पेपर वन के लिए भी आपने बताया कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था उस टाइम पे जब यस आपने फर्स्ट टाइम लिया ये सर्विसेज, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ESC पेपर वन के लिए स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? सर, पेपर वन में जो एक और चीज मैं ऑब्जर्व किया सारे जो भी मेरे कलीग्स थे उनसे, कि मतलब आप इतना गार्बेज मत रखिए कि 2 का स्क्वायर 2 क्यूब, सारे के सारे क्यूब्स आप रट रहे हो, स्क्वायर रूट्स रट रहे हो, ये सब हेल्प नहीं करता सर। मतलब ओके, थोड़ा बहुत करेगा, आपका टाइम बचाएगा, इतना गार्बेज भरने से अच्छा है आप कंटेंट बढ़ाओ, आपका टेक्निकल स्ट्रांग करो। और एंड जो भी क्वेश्चंस है ना सर, सपोज मतलब मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी था कि स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द थ्योरेटिकल, जितने भी पूरा पेपर में 1 घंटे में 1.5 घंटे में कवर कर लिया था सर, एंटायर पूरा पेपर 1 to 150 टेक्निकल का, जितने भी सिंपल क्वेश्चंस थे मैंने पॉइंट आउट किए थे और उनको सॉल्व किया था सर। सेकेंड पीरियड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें मतलब थोड़े से कैलकुलेशंस, बिट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो। आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स में, लेकिन आपको एंड टू एंड कैलकुलेशंस करने हैं सर, कंटिन्यूअसली करते जाओ, जितना बड़ा आंसर सारा है करते जाओ करते जाओ, क्योंकि आपको दो दो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, आपको सॉल्व करना है फाइनली। करते रहो करते रहो, आते जाएंगे, ऑप्शंस के साथ देखते रहो, जनरली कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, तो उस और वो जो भी क्वेश्चन अपने को समझ में, इतना तो पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कौन सा नहीं, ये पता है, ये हमको खुद पहचानना पड़ेगा कि दिस ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, देन आई शुड स्किप दिस क्वेश्चन, आई शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जिनके ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं ऐसे करता था सर, और मेरा प्रीलिम्स में मतलब आई गॉट 218 2022 में, वो हाईएस्ट मार्क्स थे प्रीलिम्स में, मैंने ऐसे सॉल्व करते करते मतलब मैं गिव अप नहीं करता था, करना है क्वेश्चन तो करना है, एंड तक कैलकुलेशन करो, फास्ट करो बट जितना हो सके एक्चुअली पॉसिबल। इसकी मुझे लगता है कि आपका टेक्निकल पे ज्यादा कमांड था रादर देन पेपर वन और वो सब चीजें, और यही यस स्टूडेंट्स यस यस सर वो बोलते भी है, क्योंकि देखो जैसे मतलब एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, वो मूवी तो बहुत ज्यादा हिट नहीं की थी और बहुत ज्यादा मतलब लोगों को पसंद नहीं आई थी, पर उसकी एक चीज बहुत अच्छी थी कि मतलब तुम्हारे वो 100 हजार बार जो तुमने एक एक बार किया उससे ज्यादा खतरनाक है वो एक बार जो तुमने 1000 बार किया है। हजार बार करिए, वो एग्जैक्टली टेक्निकल सर, ये में, सब क्योंकि जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट मास्टरी है उसमें थोड़ी सी मेहनत आपके मार्क्स को बढ़ा देगी, पेपर वन में मतलब उतना एफर्ट दोगे तो उतना बेनिफिट नहीं होने। है। हाँ, आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपके हाँ, तो इनपुट, उसमें जितना भी रादर हार्ड वर्क रादर है। देन गोइंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, कुछ चूज ही सब्जेक्ट्स के लिए जाओ, जैसे मैथ्स एपी मैथ्स आपने बताया या आपकी, मैं इंजीनियरिंग फिर ड्राइंग पे फोकस किया। गया, जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स है हाँ आपकी रेंज में, मटेरियल साइंस है जैसे, तो वो हाँ सारी। मटेरियल साइंस, एग्जैक्टली सर, तो गणेश, आपके मैकेनिकल, फेवरेट्स एरियाज कौन से थे? लाइक जैसे मेजरली इंजीनियरिंग सर्विसेज टोटल सिलेबस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है, एक थर्मल और एक डिजाइन, थर्मल मतलब और डिजाइन पार्ट में। पेपर वन और पेपर टू मेंस की बात करें तो यस आपका सर, यस फेवरेट सर, कौन सा है? सर मेरा डिजाइन पार्ट ही बेस्ट था, लास्ट टाइम भी उसमें अच्छे मार्क्स आए, होपफुली मेरे को मुझे लगता है कि अभी जब आएगा रिजल्ट आई विल गेट मोर देन 200+ इन सेकंड पेपर, पेपर टू, दैट्स वही फाइन। मेरा हमेशा हमेशा ओके, तो वही स्ट्रेंथ रही। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस में टाइम रहता है तो उसके लिए तैयारी मतलब इसी तरीके से की जाएगी, डेरिवेशन वाले जो पार्ट जो ज्यादा होते हैं, जैसे प्रोडक्शन में बहुत डेरिवेशन वाला पार्ट होता है, मेटल फॉर्मिंग का जो पार्ट है, सो दोज थिंग शुड बी डन आफ्टर प्रीलिम्स, या फिर आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स से पहले ही कर लेना चाहिए? अगर सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर डेरिवेशंस भी कर लो, क्योंकि वो लोग आजकल बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं ना सर, तो एग्जैक्टली आपको पूरा एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पूरा बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर गेट की कर रहे हो तो सर मैं बोलूंगा कि आप डेरिवेशंस पे फोकस करो, डेफिनेटली लेकिन प्रीलिम्स इंजीनियरिंग सर्विस के लिए देर इज नो नीड ऑफ दैट। उसके बाद आप जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो पहले आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, स्टार्टिंग में जो भी 1 एंड 2 मंथ्स है उसके ऊपर पूरा एंटायरली सिलेबस के सारे न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, उसके बाद आप डेरिवेशंस पे चले जाओ, क्योंकि डेरिवेशंस आप लॉन्ग टर्म तक याद रखना थोड़ा हार्ड हो जाता है, आपको कीप ऑन मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम्स के जस्ट पहले करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फिर से रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरेटिकल पार्ट और जो डेरिवेशन पार्ट है सर, वो जस्ट 2 मंथ्स बिफोर आप स्टार्ट कर दो, मैंने तो यही किया था, मतलब जस्ट
एग्जाम के पहले मैं डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल रखता था और न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से करता था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो कोई टेंशन नहीं, मतलब होते रहते। और एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो पीएसयू में रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप काफी बार रिजेक्ट हुए, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम इन इंजीनियरिंग सर्विसेज? इस बार सर मेरा मतलब जब इंटरव्यू देने गया था, मुझे लगता है सर बेस्ट रहा। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू, पैनल था मेरा लेफ्टिनेंट राज शुक्ला सर जी का पैनल था, और थोड़ा सा डर लगता है सबको मैकेनिकल में कि सर थोड़े कम मार्क्स भी देते, थोड़े ज़्यादा भी दे सकते हैं, सर का ऐसा रहता है थोड़ा। तो मुझे लगा कि यार सर का पैनल आ गया है, तो मैं डर गया। और मैं मेरा सेकंड इंटरव्यू था, तो मैं बोला यार अब क्या होगा देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू हॉल, थोड़ा खुद को काम किया, सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश किया। देन फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरे, मुझे सर बहुत कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सब के बारे में पूछ, मतलब ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे डर लग गया सर। मैं एक ही चीज़ नहीं पढ़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और सर वही क्वेश्चन पूछ रहे, तो मेरा इंटरव्यू खराब होने वाला है लेकिन सर वो बात करते करते सर ने मेरे को लास्ट फाइनली पूछा सर कि गणेश व्हाट डू यू थिंक देर हैज़ टू बी अ स्टेबिलिटी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड साइंस, व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट, ये क्वेश्चन था। तो मुझे लगा चलो इस पे तो हम बात कर सकते हैं, मैंने अपना आंसर्स बता दिया कि सर देर हैज टू बी स्टेबिलिटी इन बिटवीन। और टेक्निकल मेंबर का जो इंटरव्यू था सर, फर्स्ट मेंबर, उन्होंने मुझे स्टार्ट किया था गैस टरबाइन से, मतलब थर्मल पार्ट से, मैंने सारे आंसर्स कर दिए। तो उसी सर ने नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज किया, टॉम से पूछा मुझे, टॉम के मैंने सारे आंसर किए, डिजाइन पूछा, मैंने डिजाइन आंसर कर दिए। वो इंडस्ट्रियल का पूछे, और इंडस्ट्रियल में उन्होंने ईपीक्यू मॉडल क्या होता है पूछा था, जनरली बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्शन क्वांटिटी वाला, वो बहुत सारे मतलब बाहर लोग नहीं दे पा रहे थे। और अच्छा हुआ सर ये मैं पढ़ के गया, मतलब मेरे दोस्त को सेम क्वेश्चन पूछा था और मैंने बता दिया, तो वो टेक्निकल मेंबर उनके सारे क्वेश्चन जब आंसर किए थे, देन ही सेड गुड इन द इंटरव्यू। तो मेरे लिए बहुत बूस्टिंग था, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो गया कि मतलब कुल अब मिला तो के इस बार इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड देन द हाँ प्रीवियस सर अच्छा रहा सर, टेक्निकल इंटरव्यू बहुत सही रहा सर, मतलब फाइन। बहुत सही। तो मतलब आपको ये भी फील होगा टेक्निकल, मतलब वहां पर वो जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक के लिए होता है, इसीलिए वो मतलब सभी तरह के क्वेश्चंस चेयरमैन हाँ सर यस सर, और वो सब। हाँ आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी पूछते हैं, आपने कहाँ जॉब करी, जैसे इंडियन ऑयल में मैंने किया था, तो मेरे को इंडियन ऑयल के बारे में भी बहुत कुछ पूछा था, वहाँ पे कैसे मेंटेनेंस किया जाता है ये सब। फाइन। सो गणेश, आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक हाउ बाइजूस एग्जाम प्रेप, लाइक यू सेड दैट यू हैव गोन थ्रू द टेस्ट अवेलेबल एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो हाउ यूजफुल दे वर फॉर योर प्रिपरेशन? सर मैं जब भी मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में क्या करता था, मेरा सपोज कोई टॉपिक खत्म हो गया, वट एवर दैट, वट एवर सब्जेक्ट आया कवर्ड, तो उसको जाके मैं बाजूस पे बहुत सारी टेस्ट आती है सर, 30 मार्क्स की, 20 मार्क्स की, 15 मार्क्स की, और यस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कंटिन्यूअसली देता था, ताकि क्या रहे मतलब एवरी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जो भी आपके सब्जेक्ट का रहे वो टचअप हो जाए, सारे क्वेश्चंस आ जाए। तो वो हेल्प करता था सर, मैं सारे बहुत सारे टेस्ट देता था कंटिन्यूअसली, बायजूस पे टेस्ट देता रहता था, तो उससे कंसेप्ट के रिवीजन भी होते थे आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस सॉल्व करने से आपका नॉलेज भी, जो भी लैग रहेगा, जो लैगिंग रहेगी, वो सब एड ऑन होता रहेगा सर। तो वही, और बायजूस के मैंने मतलब बायजूस प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ मिल जाता है, गेट का भी मुझे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सारे लगा दिए थे वहां से, वो टाइम मैनेजमेंट वही उसी के लिए मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए थे बाजू उस पे, तो वही बहुत सारे चीजें हेल्प किया वाला। गणेश, जैसे आपने काफी सारी चीजें बुक से भी रेफर की, तो आपकी कौन सी कोई बुक लिस्ट, कोई स्पेशल अगर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें? यस सर, इंडियन ऑथर्स की सिंपल से बुक देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मैंने आर के बंसल करी थी, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने बंसल करी, और फ्लूइड मशीनरी के लिए मैंने मोदी एंड सेट करी, सिडनी एवनर फॉर मटेरियल साइंस, और थर्मल थर्मोडायनेमिक्स के लिए पीके नाग है, और एमएम राठौर करके एक बुक थी सर, हमें कॉलेज में रेफर करी थी, उसमें एंटायर थर्मल है, मैंने उसमें से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग करा था, पावर प्लांट करा था, थर्मल का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स मैंने बॉयलर ये सब उसी से पढ़ा था, कंप्रेसिबल फ्लो उसी से पढ़ा था। देन मैथमेटिक्स के लिए सर मैंने जो एक मोटी किताब आती है बहुत पहले, बीएस वैसे बी एस बीएस ग्रेवाल, ग्रेवाल हाँ, तो उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाता था, मतलब जो सॉल्व क्वेश्चंस है वो मैंने प्रैक्टिस करे, तो मैथ्स के इंजीनियरिंग सर्विस में आजकल क्वेश्चंस बहुत टफ पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो
आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अलग से भी। तो बीएस ग्रेवाल मैथमेटिक्स के लिए किया था, और कौन से हीट ट्रांसफर के लिए पीके नाग भी है, पीके नाग से आर के राजपूत भी थोड़ा बहुत उसमें भी क्वेश्चंस रहते थे तो वो भी उठा लिए मैंने। और कौन सा सब्जेक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन सर प्रोडक्शन मैंने जो भी करा है सर नोट्स से किया है, ये भी काफी थोड़ा वास्ट भी होता है और बुक से वास्ट पढ़ना है मैं भी तो सब बुक रिकमेंड से नहीं पढ़ना करता। नहीं सर, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं ये था सही है। तो आपके पास एक जितना। एक एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अब जो फ्यूचर एस्पायरेंट है, दोज हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द एग्जाम इन द अपकमिंग इयर्स, यस उनके सर, लिए अगर कोई आप बताना चाहे कोई स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स या फिर कोई सक्सेस मंत्रास अगर आप देना चाहें तो वो आप दे दीजिए ताकि हम फिर सेशन को क्लोज कर सके। ओके सर, मैं सबसे पहले बोलूंगा आपका कंटेंट जो है लिमिटेड होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चाहे बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है उसमें भी, पूरा बुक्स बहुत मोटे मोटे बुक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है कितना नहीं। फर्स्ट आपको लिमिटेड कंटेंट, आप जब सारा सिलेबस कवर कर रहे हो तो ड्यूरिंग दैट आप पार्ट वाइज टेस्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। पार्ट वाइज जो भी पार्ट वाइज टेस्ट रहेंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आपके फुल लेंथ टेस्ट आपको बस टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, लेकिन पार्ट वाइज टेस्ट क्या करेगी कि आपके सारे कंसेप्ट को टचअप करेगी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसका एनालिसिस, आपको एनालिसिस करना ही है, वो टेस्ट दिया तो छोड़ना नहीं है। आपकी गलतियाँ सारी चीज़ें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो नोट आउट करो, एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें मिस्टेक्स, आपके अच्छे लगे हुए पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा है वो सब नोट डाउन करो। और दूसरा होता है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन, रिवीजन टेस्ट एनालिसिस ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। ये तीनों चीज़ें साइक्लिक ऑर्डर में कंटिन्यूसली करते रहनी चाहिए, कितना भी क्लमजी हुआ स्टिल यू विल हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बस फाइन। सर सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन गणेश ऑन योर थैंक यू सक्सेस। सर, थैंक सो यू आई सो मच फील सर, यस सो आई फील आवर व्यूअर्स एंड फ्यूचर एस्पायरेंट्स वुड हैव लर्न लेसन फ्रॉम दिस सेशन एंड दे वुड यस बी सर, ऑल्सो एडिंग द थिंग्स यू हैव डन इन योर जर्नी। सो आई फील दिस यस सेशन वुड बी डेफिनेटली, वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स। यस सो सर, विद दिस वी वुड बी एंडिंग द सेशन। गुड बाय गाइज फॉर दिस वंडरफुल सेशन। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच सेशंस।